बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन द्वारा एक निज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, जहां जिला अध्यक्ष दीप नारायण सिंह दीपक, प्रदेश अध्यक्ष भानु शेखर प्रसाद सिंह, उमेश प्रसाद साह, विपिन कुमार सिंह, पवन कुमार सिंह, आलोक कुमार, राकेश कुमार यादव सहित कई संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान ट्रक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भानु शेखर प्रसाद सिंह एवं जिला अध्यक्ष दीप नारायण सिंह दीपक ने संयुक्त रूप से कहा कि सरकार द्वारा जो नई खनन नीति में संशोधन किया है, ट्रक एसोसिएशन द्वारा विगत कई वर्षों से मांग कर रहा था कि ओवरलोड के नाम पर खनन विभाग एवं पुलिस द्वारा ट्रक ऑनर एवं चालक को आए दिन परेशान किया करते थे। इसी मांग को सरकार द्वारा जो नई खनन नीति में बदलाव करने का आश्वासन दिया है, उसी को लेकर बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री एवं खनन मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। वहीं बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष को माला एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। 18 तारीख को, इसी महीने में 18 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री खनन मंत्री विजय बाबू से हम लोगों के का समय था, और कागज अंडरलोड गाड़ी जो माइनिंग चलान लेके चलती, जो गाड़ियां चलती है उसके परिचालन में बहुत कठिनाई हो रही थी सरकार के गलत नीतियों के कारण। हम लोगों ने उस बात को उठाया और सरकार ने समझा जो सही बात है, जो ट्रक मालिक ईमानदारी से व्यापार करना चाह रहे हैं कर रहे हैं, उनके समक्ष बहुत सरकार के तरफ से, पुलिस के तरफ से बहुत कठिनाई है, माइनिंग विभाग के तरफ से के पदाधिकारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, जगह जगह वसूली कर रहे थे, इंटी पासिंग हो रहा था, इस सब मुद्दे पर हमारी बात हुई और उन्होंने स्वीकार किया जो इसको हम वापस ले लेंगे, पुलिस राज खत्म कर देंगे, हम 5% हम आपको जीवीडब्ल्यू का जो 5% परिवहन मिलता है उसको हम आपको दे देंगे, भीजे हुए बालू का पर हम ही को फाइन था, बालू खदान के ठेकेदार को फाइन नहीं था, उस पर उन्होंने कहा कि उसको भी फाइन करेंगे क्योंकि गलती उसकी है और आप क्यों लादते हैं, तो दोनों को हम फाइन करेंगे, पहले हम ही को फाइन था। इन सब मुद्दों पर बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी सभी मांगों को मान लिया, इसको धन्यवाद दीजिएगा। हम मंत्री को धन्यवाद देंगे, हम अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे जो जिनके राज्य में हम लोग आज ट्रक मालिक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। क्या समस्या होता था पहले? पुलिस का अवैध वसूली, माइनिंग वाले का अवैध वसूली, परिवहन वाले का अवैध वसूली, तीनों अवैध वसूली से हम लोग त्रस्त थे। बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, तो बिहार सरकार के खनन विभाग से हम लोग का एक कानून बना था 2024 संशोधन एक्ट, उसमें था कि एक गाड़ी पर अगर मतलब कि अंडर लोड में अगर बालू से पानी तिता हुआ है, अगर उस पर ओवर लोड मतलब 100 केजी भी हो गया तो 8 लाख रुपया का फाइन किया गया। उसी के विरोध में हम लोग पूरे बिहार में एक चक्का जाम आंदोलन करने की तैयारी किए थे जो 30 तारीख को होने वाला था, तो सरकार ने इस बातों को लेकर एक वार्ता कराया पटना में आदरणीय विजय सिन्हा मंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय के साथ हुआ, तो उसमें सभी दल के लोगों ने एक साथ वार्ता किया, बिहार में जितने भी संगठन थे, तो उस संगठन में यह वार्ता हुआ, उसी के बाद यह तय हुआ कि जो जो हम लोगों ने मांग रखा था उस मांग में कुछ मांगे को मैंने नहीं माना गया बातचीत से, लेकिन लगभग मांगे में उन्होंने कहा है कि मैं इसको पूरा करा दूंगा, आप चक्का जाम अभी मत करें। इसी आश्वासन को लेकर हम लोग सरकार को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं कि आप जो आश्वासन दिए हैं टीवी में, चैनल में, मीडिया में जो हमारे विजय सिन्हा जी ने बोले हैं, तो उसको मांग आप पूरा करें। उसके तहत हम लोग का 2-4 मांग ही मात्र था कि आप ओवरलोड के खिलाफ जितना फाइन करना है कर दें, लेकिन अगर गाड़ी अंडर लोड चल रही है तो फिर आपका पुलिस हमारी गाड़ी को पकड़कर थाना में क्यों लगाता है, जब लगा देता है बाद में 15 दिन के बाद वो कहता है कि मर्याद नहीं आता है, पहले 2 दिन था, 15 दिन का बाद में 15 दिन अंडर लोड गाड़ी थाना में खड़ा रहता है और फिर फ्री होकर गाड़ी छूट जाता है बिना फाइन का, तो उसी के खिलाफ में हम लोग हैं कि भाई उससे हमको छुटकारा दिला दीजिए, तो उससे छुटकारा लगभग तय हो गया है, जिसमें कि सरकार ने कहा भी है कि खनन की गाड़ियों को अब पुलिस नहीं पकड़ेगी, और उसके बावजूद भी अगर पुलिस यह धंधा चालू रखेंगे
तो फिर पुलिस के खिलाफ आंदोलन होगा। जब कानून है कि आप नहीं रोक सकते हैं, पर जो ये खनन के पदाधिकारी हैं उनको सरकार ने मजिस्ट्रेट बना दिया, अब वो मजिस्ट्रेट हो गए, अब उनके अंदर में पुलिस रहेंगे, खनन पदाधिकारी जो है वो बुलाएंगे पुलिस को, ना कि पुलिस खनन पदाधिकारी को बुलाएंगे। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के गंगटा पोखर स्थित बसंतपुर में एक महान स्वतंत्रता सेनानी झलकारी बाई का जयंती बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त प्राचार्य उमेश यादव एवं सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक मनोहर शर्मा ने कहा कि भारत की आज़ादी के सपनों को साकार करने के लिए प्राणों का बलिदान करने वाली वीरांगना झलकारी बाई का नाम आज भी इतिहास के पन्नों में बिखेरती है। जहां अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काटकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर युद्ध करते हुए झलकारी बाई ने वीरगति प्राप्त किया था, जिसका जन्म यूपी झांसी जिले के मौजला गांव में एक निर्धन परिवार हुआ था। ऐसी महान स्वतंत्रता सेनानी झलकारी बाई की जयंती आज मनाया गया है। इसके साथ ही झलकारी बाई के तेल चित्र पर श्रद्धा सुमन के साथ सभी लोगों ने सामूहिक रूप से पुष्प अर्पित भी किया है। जो हमारी वीरांगना थी, झांसी की रानी की दाहिना हाथ थी और आजादी के आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्हीं का आज हम लोग जयंती समारोह मना रहे हैं। उनका जन्म 22 नवंबर 1830 ईस्वी में हुआ था और वह वीरांगना थी। क्या कहना चाहेंगे उनकी जयंती मना करके हम खास करके पुरुष वर्ग में और महिलाओं में जागृति उत्पन्न करना चाहते हैं कि आप भी देश के लिए जगिए और कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, कर्म बड़ा होता है, और साहसिक बनिए और इस देश के संविधान को की रक्षा के लिए आगे बढ़िए। आजादी के आंदोलन का सबसे जानदार मानदार और शानदार झलकारी बाई थी, इसीलिए उसके जन्मदिन को मनाने का हम लोगों ने निश्चय किया कि इतने महान क्रांतिकारी और शहीद महिला का जन्मदिन मनाया जाए। समाज को देना चाहेंगे नारी वर्ग को कि आप भी हिम्मत के साथ अपने अधिकार के प्राप्ति के लिए संघर्ष कीजिए। सभी लोग अपने अपने अधिकार और कर्तव्य को जानें और अपने अधिकार और कर्तव्य के लिए संघर्ष करें। सबसे पहले तो आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आज झलकारी बाई की जयंती मनाई जा रही है और हमारे संगठन की तरफ से भी इसका पूर्ण सहयोग किया जा रहा है। भागलपुर जिले में पहली बार झलकारी बाई की जयंती मनाई जा रही है, इसलिए हम चाहेंगे कि आगे भी बड़े भव्य तरीके से इसका आयोजन किया जाएगा। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई के साथ में युद्ध लड़ी थी, वीरांगना थी। 1857 के युद्ध में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था, जिसको लोग कम जानते हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों के बीच में एक जागृति लाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि झलकारी बाई कौन थी। भागलपुर में पहली मंजिल से गिरने पर एक इंजीनियर की मौत हो गई। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आशानंदपुर स्थित प्रोफेसर कॉलोनी के ठीक पीछे का है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि इंजीनियर मोहम्मद राशिद अपने न्यू मकान की छत पर चढ़कर दीवार में पानी दे रहा था, इसी दौरान पैर फिसल गया, जिस कारण जमीन पर गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। काम कर रहे हैं साथी मजदूर ने घायल अवस्था में मृतक को शहर के एक निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना के बीच बाद विश्वविद्यालय पुलिस मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गई। मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने चुप्पी साध लिया। आवेद रजा साहब जो है बहुत ही अच्छे और एक नेक इंसान थे, बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। हमको जैसे पता चला कि रजा साहब जो है सवेरे छत पर से जो है वो गिर गए हैं, तो हम यहाँ आए। आज का दिन तो हम लोगों के लिए बहुत मर्माहत का दिन है। इनका एक लाख बहुत अच्छा था, हमेशा हम लोगों को सहयोग करते रहता था, सामाजिक कार्य में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहता था। क्या काम करते थे? ये इंजीनियर थे इरिगेशन विभाग में, नौगछिया में पोस्टेड थे इनका, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। और मैं समझता हूँ कि ईश्वर इनके साथ बहुत बड़ा ये किया, इतनी कम उम्र में जो है ये व्यक्ति जो सामाजिक कार्य में भी रहते थे, इनको ये नहीं रहे तो ये समाज के लिए और हमारे लिए भी बहुत ही दुखद बात। पीरपैंती थाना क्षेत्र के अठनिया परशुरामपुर दियारा गांव में गौतम यादव के घर मोमबत्ती से आग लग गई। घर बांस बल्ली और फुसका बना हुआ था। आग बहुत तेजी से फैली जिससे गौतम यादव आंशिक रूप से जल गया, जबकि गौतम की पत्नी वर्षा देवी उम्र 26 वर्ष, बड़ा पुत्र प्रत्युष कुमार उम्र 10 वर्ष और बेटी ज्योति कुमारी उम्र 8 वर्ष आग में फंस गए।
काफी जलने के कारण पत्नी, पुत्र और पुत्री की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसकी जानकारी देते हुए कहलगांव अनुमंडल DSP 2 अर्जुन कुमार गुप्ता ने बताया कि मामले को लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हमको तो सुबह पता चला कि वहाँ जो है तीन आदमी जल के, और फेसबुक पर भी देखे पूरी तरह से तीन आदमी जल के राख हो गया है। उसी में क्रम में हम आए, नाम पता इनके बारे में हम जानते भी थे, तो मिलने आए उस प्रकार से। क्या कुछ कहना चाहिए कि इस प्रकार की निंदनीय घटना हुई? तो बहुत दुखद घटना है, इसके बारे में कुछ और नहीं बोल सकते। इतना दुखद घटना, एक परिवार के साथ पूरा चला गया। एक बच्चा को जरा सा भी चोट लगता है तो माँ बाप कितना परेशान है। नवंबर दिन बृहस्पतिवार रात की करीब 11:30 बजे सूचना मिली कि गोविंदपुर अठनिया दियरा में एक घर में आग लगा हुआ है। त्वरित कार्रवाई करते हुए HDPO पीरपैती 2, थानाध्यक्ष पीरपैती, दल बल के साथ जब वहाँ हम लोग पहुँचे तो देखे कि आग लगा हुआ है। फायर ब्रिगेड और हम लोग एम्बुलेंस लेकर पहुँचे, आग बुझा दी गई। तब तक तीन व्यक्ति काफ़ी झुलस गए थे और उनकी घटना से पहले मृत्यु हो चुकी थी, और घर का स्वामी गौतम यादव को किसी तरह बचाया गया और तुरंत उसको अस्पताल भेजा गया। तीन व्यक्ति जो मरने वाले हैं, उसकी पत्नी, उसका एक बेटा और एक बेटी है।